दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। इंद्री हलके से गुजरने वाली धनौरा एक्सप्रेस में यमुनानगर की फैक्ट्रियों से छोड़े जा रहे गंदे पानी के मामले को प्रशासन व सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि किसान यूनियन की मदद से हर रोज प्रदर्शन कर अपनी आवाज को बुलंद करने में लगे हुए हैं। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि 10 दिसंबर तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उस दिन सैकड़ों की संख्या में किसान एसडीएम कार्यालय पर इकट्ठा होकर एसडीएम घेराव करेंगे। सरकार इसी तरह डुलमुल नीति अपनाती रही तो किसान लोग, मजदूर लोग, एरिया के सभी लोग सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और सरकार को जो है नाकों में दम कर देंगे जब तक इसका पानी का प्रबंध नहीं होगा। अगर ये बाज नहीं आए तो इनके भी दरवाजों पर, इनके कोठियों पर, इनके मकानों पर धरना दिया जाए। आज गांव गढ़पुर खालसा में आके हमने नदी का जो निरीक्षण किया है, गंदे पानी का, जो कि सीएम के ओएसडी ने भारतीय किसान यूनियन के लिखित रूप में 6 महीने का समय दिया था, इस नदी में गंदा पानी बिल्कुल नहीं आएगा और आज वही गंदा पानी खुले तौर पे चल रहा है। पूंजीपतियों का पानी है और जो पूरे के किसान मजदूर ये दुखी, जिसके डंगर बीमार हो रहते हैं 24 घंटे, ना पानी पी सकते हैं, इससे आस पास के खेत बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, बिल्कुल खेती होनी बंद हो चुकी है और सरकार बिल्कुल उसकी तरफ कोई ध्यान दे रहा है क्योंकि उद्योगपतियों का पानी है। यमुनानगर से रणसिंह चौहान की रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।